और नहीं, क्या मामला हुआ आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जो है अटर्नल गोल्डी, उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज के बारे में अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है और पूरे ब्राह्मण समाज को जो है संसार करने का काम किया है। हम पार्टी के हाईकमान से ये निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके खिलाफ जो विधिवत कार्रवाई करके उनका जो है निष्कासन किया जाए और उनको पदमुक्त किया जाए, क्योंकि पूरे समाज की जो है उनके जो कृत्य है उससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ये हमारा पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी है उनसे अनुरोध है। राजीव अरोड़ा नजीबाबाद से हूं। कल का ये जो प्रकरण राजन टंडन गोल्डे जी और मंगलेश कुमार शर्मा जी के बीच में आप देख रहे हैं, फेसबुक पर लगातार चल रहा है। इस घटना के बारे में आपको पूरा वो बता दूं क्योंकि मैं मौके पे वहां मौजूद था। दोनों पक्षों में किसी प्रकार की कोई मारपीट किसी प्रकार की नहीं हुई, कुछ आपसी लेन देन को लेकर के आपस में कुछ बात हुई, उसके ऊपर दोनों में कहासुनी हो गई। उसमें हम दो लोग बीच में मौजूद थे, कपिल सर्राफ जी और मैं स्वयं वहां पर मौजूद था। हमने बीच में पढ़ के बीच बचाव करा दिया और क्योंकि दो लोग हम वहां पर मौजूद थे, चाहे मंगलेश शर्मा जी किसी के ऊपर हाथ उठाते या गोल्डी टंडन जी, हमारे होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था कि कोई भी पक्ष ऐसा करता, ठीक, क्योंकि वहां बैठे हुए लोगों की भी कुछ जिम्मेवारियां होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और किसी को भी मारने पीटने लग जाएगा। ना राजन टंडन गोल्डी जी मंगलेश जी को मार सकते थे और ना मंगलेश जी राजन टंडन गोल्डी जी को मार सकते थे। वहां बैठे हुए लोगों की भी कुछ मर्यादा थी, तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि किसी भी वहां पर बैठ करके मारपीट हुई है या किसी भी समाज के लिए वहां कुछ कहा गया है। वहां कोई भी ब्राह्मण समाज के लिए किसी भी तरीके का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। मैं कपिल सर्राफ, मोहल्ला शामली नजीबाबाद का निवासी, आजकल मैं देख रहा हूं कि कल छोटा सा मामला मंगलेश शर्मा जी और राजन टंडन गोल्डी जी के बीच में कहासुनी का मेरे निवास पर हुआ। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनका कुछ आपसी मामला थे जिसके अंदर इन्होंने एक दूसरे को कुछ कहा सुना, लेकिन किसी भी प्रकार की मारपीट किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना मेरे निवास पर नहीं हुई। और जहाँ तक रहा समाज का मामला, ब्राह्मण समाज को कहने का, जैसा मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, यह बहुत अनैतिक कार्य कर रहे हैं। किसी भी समाज को किसी भी व्यक्ति द्वारा, ना मंगलेश शर्मा द्वारा पंजाबी समाज को, ना पंजाबी समाज मतलब राजेंद्र गोल्डी द्वारा ब्राह्मण समाज के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। यह कहना कि ब्राह्मण समाज को जो है अपमानित करा गया, बिल्कुल निराधार और असत्य है। इस प्रकार की बात को कृत्य करना और समाज के अंदर डालना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। टंडन गोल्डी अध्यक्ष व्यापार मंडल नजीबाबाद, जो ये फर्जी व्हाट्सएप पे या इधर उधर मेरी छवि खराब करने के लिए कुछ लोग दुराचार कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करता हूँ। मेरा मंगलेश शर्मा जी से केवल अपने आपसी लेन देन की और कुछ गलतफहमियों पे मेरी बातचीत हुई है, तू मैं हुई है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं पंजाबी समाज का, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रदेश मंत्री हूँ, तो मैं समाज की वैल्यू जानता हूँ। जैसे मेरा समाज है ऐसे ब्राह्मण समाज है और अन्य भी समाज, क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते सभी समाज का बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए वो सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरा समाज चाहे वो कोई सा भी समाज हो, सबका मैं आदर करता हूँ और मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। ये फर्जी मेरी छवि खराब करने के लिए, चूंकि राजनीति में कुछ लोग मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, इसलिए फर्जी बातें उन्होंने की है।